We'll move to question number 14. The steps in the catalytic cycle of an enzyme actions are given in random order. Okay. तो हमें इस तरह से देख लेना है इसको. किस तरह से देखेंगे हम? पहले ये इस तरह से हम एंजाइम बनाते हैं. ये एंजाइम है और ये एंजाइम का क्या है टीचर्स? एक्टिव साइट है. फिर उसके साथ में ये क्या जुड़ेगा? ये प्रोडक्ट जुड़ेगा और जुड़ने से इनके बीच में एक एफिनिटी होगी प्रॉपर, जिसकी वजह से ये टाइटली बाउंड हो जाएगा इसके साथ में. ये देखिए टीचर, ये इसके साथ में टाइटली बाउंड हो जाएगा. यूज टू कॉल इट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और इसको मैं लिखूंगी सबस्ट्रेट. गॉट इट और नॉट? इट इज लाइक दिस. अब यहां पर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है ना टीचर्स, अब इनका क्या होगा? यहां से अब बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे. एंजाइम फिर से तैयार हो जाएगा सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो हमें किस तरह से देखना है? आई थिंक सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. यस, फोर्थ. देन बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट शेप टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. यस, तो ये यहां पर टाइटली बाउंड हो गया. थ्री. नेक्स्ट, द एक्टिव साइट नाउ इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट. एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है. यस, बन रहा है बिल्कुल. देन इट इज टू. एंड लास्ट में एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट्स. नाउ एंजाइम इज फ्री टू बाइंड टू अनदर सबस्ट्रेट. बिल्कुल, एंजाइम फ्री हो चुका है यहां पर और वो अनदर सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा. सो इट इज 4-3-2-1. इट इज 4-3-2-1. एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, टाइट उनके बीच में बॉन्डिंग होगा, एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे और एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट. गॉट इट और नॉट? सो इट इज लाइक दिस. सो इट इज 4-3-2-1. 4-3-2-1. क्लियर हो गया होगा टीचर्स आपको ये?